कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ अंडा कीमा मसाला। बढ़िया सा मजेदार सा इंडियन चटपटा है हमारा। रोटी के साथ खाए, पराठे के साथ खाए, ठंडी में तो बहुत ही मजेदार लगता है। थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक काट के डालें, मजा आ जाएगा। सो चलिए बिना टाइम करे वेस्ट करे बिना टाइम वेस्ट करे बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना। चलिए, यह है 7 बॉईल करे हुए अंडे। इसे अच्छे से आप ग्रेट कर लीजिए। कोशिश कीजिए ऐसे बड़े वाला ग्रेटर का जो हो ना, वही बड़े वाले ग्रेटर से क्या अच्छे और ज़्यादा बेटर रहेंगे। एकदम बारीक वाले ग्रेटर से मत कीजिएगा। ये सारा ग्रेट कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। तो ये हमारा बन गया अंडा कीमा। अब हम मसाला बनाने की ओर चलते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच साबुत जीरा। जब जीरा तरतरा जाए तो 2 मीडियम साइज छुंदा प्याज डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज कच्ची पक्की नहीं हो जाती, बस ट्रांसपेरेंट ही करनी है। जब कच्ची पक्की हो जाए तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और उसे भी फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चापन ना चला जाए अदरक लहसुन के पेस्ट का। जब चला जाए कच्चापन तो आप अब यहाँ डाल दीजिए 2 ग्रेट करे हुए मीडियम साइज के थे टमाटर। मैंने छील निकाल ली थी टमाटरों की और इसे भी डालकर मिक्स कीजिए और इसे फ्राई कीजिए। तकरीबन 3-4 मिनट तक मीडियम आंच या फास्ट आंच पर टमाटरों को भूनिए। उसी समय नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर ये टमाटरों को चलाते जाएं और बार बार और भून लीजिए। अच्छा, आपने तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर नम नहीं हो जाते हैं, तकरीबन 3-4 मिनट में तो हो जाएंगे। जब 3-4 मिनट हो जाए चूल्हा स्लो कर दीजिए और 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। 1/2 या 3/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए। 1/4 कप पानी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बेशक पानी और ज़्यादा डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर इसे स्लो आंच करके ढक कर इसे 4-5 मिनट तक पकने दीजिए, जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाला भून नहीं जाता तब तक। चलिए, मसाला भुना गया, आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है। तो अब ना यहाँ पर मैं 1/2 कप फ्रोजन मटर डाल देती हूँ और उसे मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप पानी। चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा है ना मटर कम लग रहे हैं तो मैं थोड़े से मटर और ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच है ना कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश कर इसमें डाल दीजिए। एक उबाल आ जाने दीजिए इसमें। जब एक उबाल आ जाता है तो ढक कर इसे स्लो आंच पर तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। या तब तक पकाएं जब तक मटर हल्के हल्के हो नहीं जाते। तब तक मटर पक जाए तब तक पका लीजिए इसे दम पर स्लो आँच पर। चलिए, 4-5 मिनट हो चुकी है। आप मटर चेक कर लीजिए, मसाला भी देख सकते हैं आप बार बार भुना रहा है। मटर हो चुकी है माशाल्लाह। तो अब हम ये जो साइड पर अंडे को ग्रेट करके रखे ये सारे डाल दीजिए इसमें, इसके अंदर। और इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कोथमीर, मैं तो कोथमीर कहती हूँ। चूल्हे को मैं मीडियम आंच कर देती हूँ और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं 1 टेबल स्पून मक्खन यानी बटर भी डाल रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए। चूल्हा मीडियम किया और इसे एक बार मिक्स हो जाता है ना तो इसे स्लो आंच करके ढक कर 3-4 मिनट के लिए दम पर पकने दें स्लो आंच पर ढक कर। 3-4 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का तेल भी ऊपर आ रहा है। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, एडजस्ट किया है, थोड़ा सा कोथमीर डाल दिए है, हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। अच्छा, तेल वैसे भी हमने कम डाला था तो ज़्यादा छूटेगा नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हा मीडियम आंच करके थोड़ा सा जैसे तेल का एक आवाज़ आता है ना कि थोड़ा निकल रहा है छूट रहा है, बस वहाँ तक ही इसे मीडियम आंच पर रख रही हूँ। जैसे आवाज़ आने लगा तो मैं चूल्हा करती हूँ बंद। तो चलिए, ये देखिए क्या बढ़िया सा बन गया हमारा, आप देख सकते हैं। मैं आपको खा के भी बता देती हूँ। चलिए बता देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजा आ गया। हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालें, लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालें, किसी की भी रेसिपी हो, मेरी हो या किसी की भी हो, मिर्चियों का जो मिजान है वो आप आपके हिसाब से और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया बना है, मैं तो क्विकली निकाल रही हूँ रोटी के साथ सर्व करने के लिए। मुझे
लेट नहीं हो रहा है, इतना मजेदार चटपटा सा बना है। अच्छा, अगर आप ये मेरी रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है, राइट? आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे ये लिंक्स फॉरवर्ड करने हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन एंजॉय अंडा कीमा मसाला।